चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह हो चुकी है और अभी फिलहाल मैं गया था मम्मी को ऑफिस छोड़ने के लिए तो अभी मैं तुरंत आया हूँ और 10 बज चुका है। अभी टाइम है दुकान खोलने का, तो मैं जा रहा हूँ दुकान खोलने। और भैया अभी तक सोए हुए हैं क्योंकि वो रात में लेट से सोए थे, तो अभी जाहिर सी बात लेट से उठेंगे। तो फिलहाल मैं जाता हूँ दुकान खोलता हूँ मैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या सीन है आज का, क्या करना है, कहाँ जाना है। जैसा होगा मैं आपको अपडेट दे दूँगा। सो है गाइज, अभी रात हो चुकी है और अभी रात के 9 बज गए हैं। अभी शाम को एक अंकल आए हुए थे, लिटरली मैं आपको बताऊँ नहीं वो आए थे 6 बजे शाम को, नहीं 6 नहीं शायद 5 ही बजे आएंगे। ये मम्मी को ऑफिस आने से पहले ही वो आए हुए थे, घर में कुछ काम था उनको और वो अभी गए जस्ट अभी। और मैं मतलब व्लॉग नहीं बना पाया मैं, बिकॉज बहुत शोर हो रहा था और कुछ ऐसे बातें थी इम्पॉर्टेंट जो अंकल को करनी थी। सो मैं आप लोगों से एक बात की माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं दोपहर में क्या क्या करता हूँ और मैं कहाँ जाता हूँ, ये मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। बिकॉज देखो सुबह दुकान खोलना होता है और भैया भी फ्री नहीं होते हैं। जब अगर मुझे कुछ काम करना हो तो मुझे सबसे पहले भैया को अपने साथ लेना होगा, साथ में कहीं जाना होगा। अगर कहीं साथ में गए तब हम वीडियो शूट करते हैं, फिर आपको सीन्स दिखाते हैं इधर उधर का। इसलिए मैं सुबह या दोपहर में आप लोगों को ज़्यादा सीन्स नहीं दिखा पाता, बिकॉज फिर मम्मी ऑफिस चल जाती है, हम या भैया दुकान खोल देते हैं, मुझे कॉलेज जाना होता है, दैट्स वाई। बट आप टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी ये टेंशन दूर हो जाएगा। सो पता है मुझे कुछ शूज़ वगैरह लेने थे और घर के कुछ सामान वगैरह लेने थे। अभी तो टाइम हो गया 9:30, तो शायद एक दो दुकान खुले होंगे और मुझे मॉल भी जाना था, कुछ काम था। जो मैंने हुडीज़ लिए थे वो मुझे रिटर्न करने हैं, शायद मॉल खुला हो, देखते हैं जाके। तो अभी मैं जा रहा हूँ, निकलता, बहुत ठंड हो रही है बट जाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं अभी नहीं गया तो मैं कल भी नहीं जा पाऊँगा, बिकॉज फिर कल भी सुबह हो जाएगा, फिर वही रूटीन डेली का कि दुकान खोलूँ चाहे कुछ करूँ। इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ, मैं और भैया जा रहे हैं। तो जाके जैसा होता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या सीन है, जैसा रहेगा मैं आप लोगों को बताऊँगा। जाके मम्मी बैठ के वीडियो देख रही है। क्या वीडियो देख रही हो मम्मी, क्या देख रही हो? ज्वेलरी का। क्यों देख रही है वीडियो ये? क्यों देख रही हो? ऐसे मन किया। क्यों मन किया? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? चलो आते हैं, ठीक है, बाय। सो बाहर निकले भी लिटरली इतना ठंड था ना, इसलिए मैंने ये टोपा डाल दिया, टोपी, सॉरी मैंने ये टोपी डाल दिया अभी, बिकॉज ठंड बहुत है और ठंड में रिस्क नहीं लेने का। और ये जैकेट तो है ही अपना। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं और मैं कैसे व्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं आपको कैसे बताऊँ? तो रहन दो फिर, बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है। ऐसे देखो फॉग तो नहीं किया हुआ है बट ठंड इतनी है, इतनी ज़्यादा। भैया कैसे बाइक चला रहे हैं भाई साहब? अच्छा भाई मैंने टोपी ले लिया, इट्स माई वेरी गुड डिसीजन सॉरी। तो अभी रास्ते में है, देखते हैं वो मॉल खुला है कि नहीं है। अगर मॉल नहीं खुला रहेगा तो बहुत गंदा पोपट हो जाएगा, हम लोग का स्कैम हो जाएगा, बहुत ही गंदा स्कैम हो जाएगा। बिकॉज इतनी रात में आए और मुझे कल वो कपड़े का काम है, इसलिए तो अभी मैं वहाँ पहुँच के आपको दिखाऊंगा। बिकॉज बहुत ठंड है, मेरा हाथ बाहर निकल गया, हाथ जम गया मेरा। सो वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं फिर। तो गाइस वापस से स्कैम हो चुका है, मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं ये मेरे सामने क्या नज़ारा है। ये देखिए मॉल बंद हो चुका है, वापस से स्कैम हो गया। क्या कहते हो भैया? वैसे भी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 9:30 और अभी से ही मॉल बंद हो गया है। सो जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो काम तो हुआ नहीं, सो अब कल ही जाना पड़ेगा। कल सुबह जाएंगे यहाँ से, अपना हुडी रिप्लेस करवाएंगे,
बिकॉज मेरे हुडी में थोड़ा वो हो गया था, थोड़ा फटा हुआ था और जो वो होता है लेस, इसका वो लेस ही नहीं था उसमें। तो मैं अभी सोचा कि अभी रिप्लेस हो जाएगा, बट नहीं हुआ अभी। सो अब कल आएंगे, अब कल ही होगा रिप्लेस। इतनी ठंडी में आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अरे मैं दिखाता हूँ, ये आप यहाँ का गांधी मैदान, ये देखिए ये गांधी मैदान। नहीं रहने देना, मत चलो यहीं से निकाल, सीधे निकाल, सीधे निकालो। अरे मत चलो, मत चलो, रह दो, छोड़ो ना, काका जाकर रह दो, यहीं से निकालो ना। तो स्कैम तो हो चुका है यार, क्या करें, पोपट हो गया। तो अब जा रहे घर, बहुत ठंड लग रही है तो घर जाना ज़रूरी है। तो घर जा रहे, घर जाके फिर बात करते हैं। So, घर पहुंच चुके हैं और भाई हाथ हाथ कांप रहा है, इतना ठंड था बाहर, बाल के वजह से जैसे हो गया है। यू नो माई हेयर इज़ वेरी गुड। सो मम्मी गए थे ना तो मॉल बंद था, क्या बोली, सुबह कर लेना यार, कपड़ा कल पहनना है हमको। सुबह खुलेगा, अभी तो खुलेगा नहीं। सुबह से वही, अभी तो कुछ नहीं कर सकते, घर आए हैं और 10:10 हो गया है टाइम। तो अभी जा रहा हूँ मैं एडिटिंग करने के लिए, एडिटिंग कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा देर में। थोड़ी देर में एडिटिंग मेरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर कुछ खाएंगे और फिर खाते हैं, तो फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। कट कर देना प्लीज। आपकी शक्ल इतनी खराब क्यों है भैया? ताकि तुम जैसे लड़कों को कॉम्प्लेक्स ना लगे। तो गाइस फाइनली मैंने अपना एडिटिंग कंप्लीट कर लिया है और अभी रात के 12 बज चुके हैं और मुझे भूख बहुत लग रहा है बिकॉज मैंने कुछ नहीं खाया। सो उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी आप देखें नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। भैया कपड़ा पहनना था यार, क्या करें।